ये एम्बिएंट लाइट, ये देख, ये देख, ऐ चका चक, ऐ चका चक। ये बस वाले भैया आगे क्यों जा रहे हो ऐसे? पड़कमना ये पड़ेर कहना चाय गिरेगी कि नहीं। ये हम लोगों ने अपने पेड़ से सहजन तोड़े हैं। कैसे धूम मचा रहे हो? इसको रखते हैं लैपटॉप बैग को बाहर पीछे। इन्होंने पानी की बोतल रख ली है रास्ते के लिए। इसको करते हैं बंद और चलते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो मैं निकल रहा हूँ बिहार बक्सर। मेरे दादाजी रहते हैं तो उन्हें आज लेने जा रहे हैं। 2-3 दिन का ट्रिप है और मेरे साथ पुनीत जा रहा है। तो पहले उसे पिक करते हैं, गाड़ी को थोड़ा खाना खिलाते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। सो फाइनली पुनीत आके बैठ गए हैं और हम दोनों निकलने वाले हैं लॉन्ग रूट पे, हाईवे पे। चलो, हमें लगता था हमारी एम्बिएंट लाइट सबसे अच्छी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बढ़िया सी एम्बिएंट लाइट। भैया ऊपर तक भर दीजिएगा, अभी तो 2 बूंद और आएगा। अरे 2 बूंद और आएगा अभी, थोड़ा झाड़ ये, थोड़ा सा और, इसको थोड़ा सा 0 को डबल 0 कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस अब गिरने वाला। ये एम्बिएंट लाइट, ये देख, ये देख, ऐ चका चक, ऐ चका चक। भैया टैंक फुल, पेमेंट, पेमेंट कार्ड और पहले कट पे रोक देना। दवा दूंगा बन मेरी महबूबा, मैं तेनु ताज पवा दूंगा, बन जा तू मेरी रानी, तेनु महल दूं। ओ दरिया जरों कर दो मझधारा। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे और हमारी हाईवे राइड स्टार्ट हो चुकी है। सो फाइनली एक्सप्रेसवे पे आ गए और अभी मेरे ख्याल से 12 घंटे दिखा रहा है, 874 किलोमीटर, 9-10 का ETA दिखा रहा है मॉर्निंग। देखते हैं क्या पेस पे चलते हैं और कब पहुंचते हैं। बने रहिए, आगे और डिटेल्स मिलती रहेंगी। तो भाई बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के एक्सपर्ट ड्राइवर लेके आया हूँ मैं साथ में, झांसी। और इस ट्रिप पे जो मेरे साथ रहेंगे, गाड़ी यही चलाएंगे, मैं तो आराम करूंगा और वीडियो बनाऊंगा। यमुना एक्सप्रेस वे पहला टोल आ गया है। ये बस वाले भैया आगे क्यों जा रहे हो ऐसे? सो इतने लंबे सफर के साथ हमारी बारिश भी साथ दे रही है और बारिश वैसे चालू हो गई है। तो अभी हम लोग अराउंड 120 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। दो लोग जब रहते हैं चलाने वाले तो थोड़ा इजी हो जाता है। सो ऐसी ही अदला बदली करके चलाएंगे और होपफुली टाइमली पहुंच जाएंगे। सेकंड टोल प्लाजा आ गया है और बारिश अभी हमारा साथ दे रही है, मौसम बहुत बेहतरीन हो चुका है। सेकंड टोल प्लाजा के बाद छोटा सा ब्रेक लिया है, सुख शौचालय। अभी प्रेशर क्लियर मस्त, हाँ हाँ पड़कमना एपड़े इरुक्केना। सो फाइनली हमने वेज जिंगर बर्गर उठा लिया है KFC से रास्ते के लिए, अपना रुकते खाते पीते जाएंगे। पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। स
सो पहला माइलस्टोन कंप्लीट हो गया, आगरा एक्सप्रेसवे इस ओवर, और लास्ट टोल है हमारा, मैं दिखाता हूँ आपको। इसके बाद हम चढ़ेंगे लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, सो मिलते हैं आगे। क्यों उदास खड़ी है अकेले, क्यों क्यों? अभी लेके चलता हूँ मैं तुझे सबके पास, रुक जा रुक जा। फाइनली लखनऊ एक्सप्रेस वे ख़त्म होने को आ गया और टोल गेट आ चुका है, देखते हैं कितने का चूना लगता है, फिर पढ़ते हैं आगे। सो फाइनली लास्ट एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चढ़ चुके हम लोग, 340 किलोमीटर और बचा है। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ हर दुआएं जैसे बापू मानी, देखी हर दुआएं जैसे बापू मानी, आज का चैलेंज चाय गिरेगी कि नहीं। वैसे तो मैं आज छुट्टी पे हूँ बट भाई अपना छुट्टी पे नहीं है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, यानी मतलब हार्डली वर्किंग है, फिर भी काम तो काम है, चाहे हार्ड वर्क करो चाहे हार्डली वर्किंग करो। सो ये करेंगे काम, मैं चलाऊंगा गाड़ी। सो फाइनल टोल ऑफ आवर ट्रिप, सो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी खत्म हो रहा है और अब हम एंटर करने जा रहे हैं बलिया, और बलिया से आएगा नेक्स्ट बक्सर, और फाइनली अराउंड एक घंटे में पहुंच जाएंगे। मेरा तो केस ये है कि फाइनली घर पहुंच गए, आए हुए तो 10-15 मिनट हो गए थे सबसे मिलने मिलने के बाद। दादाजी अंदर बैठे हैं, दिखाऊँ तो ये दादाजी है मेरे, ये पुनीत है, और ये घर है। एक लोकल शॉप पे आए हैं, ये बन रही है लिट्टी तेल वाली, और ये सब्जी है सोयाबीन आलू की। अभी जब आएगा मेरे पास प्लेट में तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी प्लेट तैयार हो गई है, ये हम लोगों ने अपने पेड़ से सहजन तोड़े हैं, पुनीत भाई साहब लगे हुए हैं सहजन तोड़ने में, और मिसिर जी हैं। सो फाइनली टाइम हो गया है जाने का। सो फाइनली हम लोग बिहार से निकल रहे हैं, दादाजी को ले लिया है, दादाजी से हेलो हेलो। पिकअप हो चुका है, चल रहे हैं लखनऊ पहले, वहाँ पे हम करेंगे अपना पहला ब्रेक जो कि डिनर ब्रेक होगा, फिर बताते हैं आपको धीरे धीरे। ये दिख रहा था दादाजी की रिक्वेस्ट पे जगदीप सिंह लगाए गए हैं, और अभी हमारे रास्ते का सफ़र है, फुल 3 घंटे ड्राइवर बिहार से ओझा एंड ओझा सीनियर और जगदीप सिंह जी। और हम पहुंच गए हैं लखनऊ के विधानसभा, ये देखिए चमचमाती हुई बिल्डिंग, महल जैसा सजा रखा है।
ये कैसे धूम मचा रहे हो। इतना सुंदर लग रहा है चांद, बेहतरीन। दोनों गाड़ियां एक साथ चल रही हैं। थैंक यू विजिट अगेन, बाय बाय एक्सप्रेसवे, वेलकम टू ग्रेटर नोएडा।